गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घरों में होंगे। जैसा कि अभी समय चल रहा है, तो आज इंग्लिश टीचिंग में हम देखेंगे एक्सटेंसिव रीडिंग। उससे पहले मैं आपको एक पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहूंगा कि कल अपन ने देखा था कि बेसिक स्किल्स लैंग्वेज की कौन कौन सी होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। Then after we have learnt about types of reading, in which we have learnt intensive reading. After intensive reading, now we will learn about extensive reading. What is extensive reading? Whenever you have read a passage, then after somebody calls you that read the passage again. Then after you will not read the passage intensively. You will read the passage extensively. That is called extensive reading. Now we will understand what is extensive reading. Extensive reading क्या है वो हम समझेंगे। Extensive reading जो है, it is a rapid reading truth watcher. Rapid reading. Extensive reading को और क्या कहा जाता है? Rapid reading. और इसे extensive silent reading भी कहा जाता है। Extensive silent reading. तो एक्सटेंसिव रीडिंग इज नोन एज रैपिड रीडिंग एंड एक्सटेंसिव साइलेंट रीडिंग आल्सो। इन एक्सटेंसिव रीडिंग कंसंट्रेट या कंसंट्रेटिंग ऑन स्टूडेंट्स माइंड द सब्जेक्ट मैटर। स्टूडेंट्स के दिमाग में सब्जेक्ट मैटर को ये कंसंट्रेट करती है, कंसंट्रेटिंग करती है। In extensive reading, students reads the passage without help of teacher. Student read the passage without help of the teacher. Quickly, understand, listen, quickly. एक बात यह आई, quickly. Intensive reading में quickly नहीं था, extensive reading में क्या है? Quickly. ठीक है? Understand करता है, read करता है, कैसे करता है? Independently and quickly. In extensive reading, students read the passage independently and quickly without help of the teacher and try to understand the subject matter. This is called extensive reading. Now we will read about the aims of extensive reading. Main purpose of extensive reading is cultivating the taste of reading. आपने देखा पुराने समय में लोग बैठे बैठे नोवेल पढ़ते रहते तो पूरी उन्हें कहानियां याद हो जाती थी। तो एम्स क्या है एक्सटेंसिव रीडिंग का? कि कल्टीवेटिंग द टेस्ट ऑफ रीडिंग इन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में रीडिंग का टेस्ट डेवलप करना होता है, जिससे कि क्या होगा, एनकरेज होगी उनकी हैबिट्स, रीडिंग हैबिट्स क्या होगी, एनकरेज होगी। पहला एम क्या हो गया एक्सटेंसिव रीडिंग का, कि उनमें रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करना है, जिससे वो विजुअलाइज कर सकेंगे। तो क्या कर सकेंगे? विजुअलाइज कर सकेंगे, विजुअली उनके सामने इफेक्ट उस चीज के आ सकेंगे। एंड सेकंड एम क्या है इसके? एक्सटेंसिव रीडिंग से स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्ट मैटर को क्विकली अंडरस्टैंड कर सकता है। क्या कर सकता है? क्विकली। द स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड क्विकली द सब्जेक्ट मैटर एंड देन आफ्टर है टू डेवलप अ टेस्ट फॉर रीडिंग बुक्स अमंग द स्टूडेंट्स। एक्सटेंसिव रीडिंग से क्या होता है, क्या होता है, टेस्ट डेवलप होता है किसका? रीडिंग बुक्स का। जो आप सेल्फ स्टडी करते हो वो डेवलप होता है, रीडिंग का टेस्ट डेवलप होता है स्टूडेंट्स में। क्या वो सेल्फ रीडिंग कर सकता है अमंग द स्टूडेंट्स? इससे क्या होता है, स्टूडेंट कैन गेन मोर वोकैबुलरी एंड गेन मोर नॉलेज। द स्टूडेंट कैन गेन मोर नॉलेज एंड वोकैबुलरी। ये सब क्या है इसके एम्स। अब आगे इसकी स्टेप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप्स की क्या है, इंट्रोडक्शन। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैंने एक्सटेंसिव रीडिंग स्टार्ट की तो डायरेक्टली स्टार्ट नहीं किया इसको, मैंने क्या किया, प्रीवियस नॉलेज से इसको मैंने अटैच किया, जोड़ा है। पहले मैंने LSRW बताई, इंटेंसिव रीडिंग बताई, फिर मैं एक्सटेंसिव रीडिंग पे आया। तो जब भी टीचर एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए कहता है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, उसका इंट्रोडक्शन करेगा। किसी टॉपिक के लिए स्टूडेंट्स को कहा कि रीड दिस पैसेज, तो टीचर सबसे पहले क्या करेगा, इंट्रोडक्टरी टॉक करेगा। क्या करेगा? इंट्रोडक्टरी टॉक करेगा। और उसमें भी जो डिफिकल्ट पोर्शन है,
ही विल समराइज द डिफिकल्ट पोर्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर का डिफिकल्ट पोर्शन उसको समराइज करेगा और उससे रिलेटेड क्या करेगा, एक इंट्रोडक्टरी टॉक करेगा. अंडरस्टैंड, टीचर विल गिव एन इंट्रोडक्टरी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट मैटर एंड ही विल समराइज द पैसेज ऑफ डिफिकल्टी. ठीक है. नाउ सेकेंड वन इज साइलेंट रीडिंग. साइलेंट रीडिंग कौन करता है? स्टूडेंट्स. कौन करता है? स्टूडेंट. टीचर जो करता है वो क्या कहलाती है? मॉडल रीडिंग. टीचर जो करता है वो मॉडल रीडिंग है. स्टूडेंट्स इमिटेशन रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, लाउड रीडिंग, ये सब स्टूडेंट्स पर डिपेंड है. साइलेंट रीडिंग बाय द स्टूडेंट्स. अब जब साइलेंट रीडिंग होगी तो टीचर क्या करेगा, उनको सुपरवाइज करेगा अटेंटिवली. साइलेंट रीडिंग कैसे होगी? स्टूडेंट को उनकी एबिलिटी के हिसाब से उन्हें पैराग्राफ दिया जाएगा, एक लिमिट दी जाएगी. द टीचर विल गिव द लिमिट ऑफ अ पैराग्राफ टू अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल एबिलिटी टू रीड द पैसेज. टीचर उन्हें उनकी एबिलिटी के हिसाब से पैसेज रीड करने के लिए देगा और बच्चे क्या करेंगे, साइलेंट रीडिंग करेंगे. तीसरी बात जो आती है वो है क्वेश्चनिंग. आफ्टर साइलेंट रीडिंग टीचर विल आस्क सम क्वेश्चन टू चेक द स्टूडेंट्स व्हाइल दे हैव लर्नड और नॉट. अंडरस्टैंड, साइलेंट रीडिंग होने के बाद टीचर उन बच्चों को उस पैराग्राफ से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा कि जान सके कि उन्हें वो चीज अधिग्रहित हुई है या नहीं हुई, वो चीज उसे सीखे है नहीं सीखे. इन द एंड रिकैपिटुलेशन, दोहरान के लिए टीचर ऑब्जेक्टिव टाइप से उन्हें क्वेश्चन पूछेगा. द टीचर विल आस्क स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स टू चेक देयर नॉलेज दैट दे हैव लर्नड और नॉट. तो देयर आर फोर स्टेप्स इन एक्सटेंसिव रीडिंग: इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी टॉक, साइलेंट रीडिंग बाय स्टूडेंट्स, क्वेश्चनिंग बाय टीचर एंड आंसर बाय स्टूडेंट्स, रिकैपिटुलेशन. इन द एंड द टीचर विल आस्क ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टू चेक द स्टूडेंट्स हैव लर्नड और नॉट. नाउ एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग. अब एडवांटेजेस क्या है एक्सटेंसिव रीडिंग के? जब बच्चा खुद पढ़ेगा तो उसका नॉलेज जो है बढ़ेगा. एडवांटेजेस में सबसे पहले अपन देखते हैं, इट डेवलप्स द हैबिट ऑफ सेल्फ रीडिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स. इट डेवलप्स द हैबिट ऑफ सेल्फ रीडिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स. बच्चों में स्वाध्याय की आदत को प्रेरित करता है. अब न्यू फ्रेजेस वर्ड्स एंड सेंटेंसेज, न्यू फ्रेजेस वर्ड्स एंड सेंटेंसेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर पास इनटू द स्टूडेंट्स. न्यू वर्ड फ्रेजेस एंड सेंटेंसेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर पास इनटू द स्टूडेंट्स. बच्चों में नए शब्दों का, नए पद्यांशों का और सब उससे रिलेटेड वाक्य जो है बच्चों के अंदर समाहित हो गए. फिर आता है उनकी पैसिव वोकैबुलरी पढ़ेगी. बाय एक्सटेंसिव रीडिंग स्टूडेंट्स नॉलेज अबाउट द कल्चर, लिसन, अबाउट द कल्चर, अबाउट द लिटरेचर, संस्कृति, साहित्य, इनके बारे में उनका ज्ञान पड़ेगा जब वो सेल्फ स्टडी करेगा. और सेल्फ स्टडी कहाँ होती है? कहाँ होती है? एक्सटेंसिव रीडिंग में सेल्फ स्टडी होती है. वो खुद से पढ़ता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर. नाउ डिसएडवांटेजेस, अब डिसएडवांटेजेस क्या है? जब बच्चों को एक्सटेंसिव रीडिंग करने के लिए कहा जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे करें, कई लोग औपचारिक रूप से भी करते हैं. तो इससे क्या होता है कि वो डिटेल स्टडी नहीं कर पाता. डिटेल स्टडी कहाँ होती है? इंटेंसिव रीडिंग में. यहाँ वो रैपिड रीडिंग करता है, जो समझ में आए ना है उसे भी ना समझ में आए, हो सकता है कि जो साइलेंट रीडिंग है उसे समझ में नहीं आएगा. अगर वो उसको डिटेल स्टडी नहीं करेगा तो उसे समझ नहीं आएगा. दे डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर, दे जस्ट ट्राई टू ओनली रीड द पैसेज बिकॉज टीचर हैव टोल्ड दैट, शिक्षक ने कहा, इसलिए वो सिर्फ उसे पढ़ना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर. तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले क्या हो गया कि वो स्टडी डिटेल्ड में नहीं होती. दूसरी बात है कि कॉमनली वर्ड जो उन्होंने पहले से पढ़े, कॉमनली वर्ड दैट दे हैव ऑलरेडी रीड, उन्हें तो वो समझ जाएंगे बट न्यू वर्ड दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दैम. जब नए शब्द आएंगे तो वो उन्हें समझ नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें उन्होंने पहली बार
देखा है, तो उसके लिए टीचर को क्या चाहिए, इंट्रोडक्शन में ही वो उन चीज को पहले ही समराइज कर दे। तीसरी बात जो आती है डिसएडवांटेजेज में वो है सब्जेक्ट मैटर पर ही कंसंट्रेट किया जाता है एक्सटेंसिव रीडिंग में, उसका बैकग्राउंड सब्जेक्ट मैटर का बैकग्राउंड अंडरस्टैंड नहीं किया जाता है कि वास्तव में इस पैसेज में जो राइटर है वो क्या कहना चाहता है, बैकग्राउंड ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ओनली अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, डोंट वांट टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट बैकग्राउंड ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, दैट इज विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड ऑफ सब्जेक्ट मैटर, दे ओनली रीड द पैसेज विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इट इज एक्सटेंसिव रीडिंग। आई होप दैट ऑल यू अंडरस्टैंड द एक्सटेंसिव रीडिंग। थैंक यू वेरी मच।